Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और विषय चाहे तुम पाठशाला को भूल गए और इसीलिए इतने भूल गए। मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों ये बोसीदा धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूँ और जो सजा दो उसका सजावार हूँ। अच्छा भी बताता हूँ, मजा कसी का चुकाता हूँ। अजी महाराज क्यों गांव की तरफ चल रहे हो और बना पास से निकल रहे हो? इन्हें बोलो फर्क दिखा था वो कमान तो बिल्कुल सड़ी थी और न मालूम कब से बेकार पड़ी थी। इसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और चंदी की तरह पान चला रहे हैं। कभी परसा संभालते हो और कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए वरना चुपके से अपनी ला लीजिए। चशम गुस्ताख क्यों चर्चर करता है? चाहे तू मेरी पैर ताकत से नहीं डरता, क्यों मुझे ना गुस्सा दिला रहे हो और अपनी मौत को बुला रहे हो? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुआई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे मासूम जान कर तरस खाता हूँ, इसीलिए ये शस्त्र नहीं चलाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथ ही जाएगी। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बैल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे मैं सजावार हूँ। क्यों निकले पड़ो हो इस कदर मियान से? मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर दो इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में बताशा नहीं। जरा ठहर तुझे बताता हूँ, मजा सरकशी का चुकाता हूँ। ये गीदड़ सी पंखी दिखा और को, ये फीके से मजे चखा और को। शरारत तेरी सब बतला रही है, तेरी मौत ही तुझको मेरे सामने लाई है। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, मुफ्त में हुआ तुम्हें ये गुमान है। वो देखो मुझे दांत दिखा रहा है, शरारत से आप भी पेश आ रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें इस पे नाहक भरम हो गया। खूब इसका नाम नरमी है, वो मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें कर करके मुझे और भी चढ़ा रहा है। सामने से चला जा वरना कब्जे को चुबा लूंगा। तुम इसको मेरे आंखों के सामने से दूर ले जाओगे वरना बुरी दुर्घटना बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि बेहतरीन इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझ तक सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, तुम्हारे लिए चारों तरफ सनसन है। तू बड़ा शरीर है, आदमियों की तरह बात कर वरना मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदज़बान बैत शैतान, अभी दिखाता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब बर्दाश्त की हद हो चुकी, लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं।
आपने ना हक महाराज महाराज कहकर इसका दबाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नरमी ने इसका इस कदर हौसला बढ़ा दिया। अब मुझको जरूर तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी यह हवा दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए।